हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज दिखाएंगे आपको कि 12 स्विच वाली बोट वायरिंग किस तरह से किया जाता है। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऐसा नल इलेक्ट्रीशियन में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों आज दिखाएंगे इसमें मेरा 12 स्विच है और 12 स्विच का वायरिंग किस तरह से करना है। दोस्तों मेरा एक सब्सक्राइबर भाई कमेंट किया कि सर ऐसा बताइए कि 12 स्विच हमको लगाना है उसका वायरिंग किस तरह से होगा। तो आइए दोस्तों आपको दिखाते हैं 12 स्विच वाला बोर्ड को जो है वायरिंग किस तरह से करना है। तो दोस्तों सबसे पहले बोर्ड को ऐसे पलट लेना है और मेरे पास तार का टुकड़ा करना है। तो दोस्तों तार का टुकड़ा मेरे पास नहीं है, तो दोस्तों सबसे पहले करना क्या है, दोस्तों इसको जो है हमको पहले ये जो नीचे वाला टर्मिनल है जिसको थर्मल बोलते हैं, टर्मिनल बोलते हैं, स्विच का नट बोलते हैं। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखिए, आपको पूरा एकदम जीरो लेवल से पूरा स्विच का वायरिंग आपको एक वीडियो में समझ में आएगा। तो दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये नीचे वाला नट को लूज कर लेना है टेस्टर से। ये हमने लूज कर लिया, ऐसे करके लेना है और नीचे वाला नट को लूज कर देना है। नीचे वाला नट को लूज कर देना है ऐसे करके, ऐसे करके नट हमने लूज कर लिया दोस्तों। सब नट को नीचे वाला से लूज कर लेना है। इसको लूज कर देना है। तो दोस्तों मेरे पास अभी 0.75 mm का तार है, ठीक। तो ये तार को ऐसे करके हमको नाप लेना है, यहाँ से ऐसे करके नापना है, ऐसे करके नाप लेना है। तो दोस्तों नाप के इसको हमको ऐसे करके कट करना है थोड़ा सा, और पीवीसी को ऐसे करके फाड़ देना है। पीवीसी को हमने फाड़ लिया, ये तार को अच्छा से इसको ऐसे करके मोड़ डालना है, इसको मोड़ देना है, इसको ऐसे मोड़ लेना है। ऐसे दोस्तों मोड़ लिए, मोड़ने से ये होगा कि मेरा तार इधर उधर रुकेगा नहीं। तो दोस्तों सब मेरा स्विच का नट लूज है, नट लूज है। तो दोस्तों इसको हमने ऐसे करके, तो इसको जो है हम फिर से यहाँ से लिए और इसको नट को हमको थोड़ा सा टाइट कर देना है। नट मेरा टाइट ही है, ये नट को से थोड़ा थोड़ा ऐसे करके पुश करते जाना है। तो दोस्तों देख लिए तार थोड़ा सा ढील छूट गया था तो फुसा निकल गया था। इसको इस तरह से लेना है, इस तरह से लेना है। ये नट मेरा लूज है, लूज नहीं है, ये नट को हमको टाइट करना है, लूज करना है ऐसे करके लूज कर दिए। ये नट को भी हम लूज कर देते हैं। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारा वीडियो को थोड़ा शेयर जरूर कर दें ऐसे करके। ये दोस्तों यहाँ तक पहुँच गया मेरा तार। अब दोस्तों सबसे पहला बात है कि इसका पहला वाला लास्ट वाला जो बीच छोर है इसको यहां से हमको टाइट करना है, ऐसे करके टाइट करना है, ऐसे करके हमको टाइट कर देना है, ऐसे करके हमको टाइट कर देना है। ये यहां से हो गया, इसको भी ऐसे करके टाइट कर देना है। इसको भी टाइट कर लेना है। अब दोस्तों देखना यह है कि हम बता रहे हैं जो आपको एकदम सरल तरीका बता रहे हैं, और यहां से हमको यह तार को कट कर लेना है ऐसे करके। लास्ट से हमने कट कर दिया, ये अब फिर से हमको नाप लेना है दोस्तों ऐसे करके, और फिर इसका पीवीसी निकाल देना है। पीवीसी हमने निकाल दिया और इसको जो है सेम तरीका से ऐसे करके मोड़ लेना है, सेम मोड़ लेना है अच्छा से, ऐसे करके मोड़ लिया हमने। ऐसे करके मोड़ लेना है, ऐसे करके हम मोड़ लिए। तो भी खोल लेना है दोस्तों अगर हमारे YouTube चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज
हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चले जाए। और सबसे पहले जानकारी आपको मिल जाए। ऐसे करके यहाँ से फिर से लास्ट छोर को टाइट करना है। ऐसे करके फिर से लास्ट को टाइट कर देना है। तो दोस्तों एक बात याद रखना है, नट लूज नहीं रखना है। नट लूज रखने में आपका फिर स्विच काम नहीं करेगा तो बोलिएगा सर आप किस तरह से वीडियो में बताए और मेरा स्विच काम नहीं किया। अगर आपको कहीं दिक्कत होगा तो दोस्तों आप हमको कमेंट कर सकते हैं और उसकी रिप्लाई आपको ज़रूर मैं दूंगी। ऐसा तो सबका रिप्लाई देती हूँ और आपका भी दूंगा, ऐसा नहीं कि मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ, सबका कमेंट पढ़ता हूँ मैं दोस्तों अपने चैनल पे और मैं आपका भी ज़रूर पढ़ेंगे कि कौन सब्सक्राइबर मेरे क्या बोल रहे हैं। जैसे ये बोर्ड बनाने का मकसद एक ही था कि एक सब्सक्राइबर भाई ने हमको बोला कि सर ऐसे 12 स्विच है मेरे पास, उसको वायरिंग किस तरह से करना, तो इसलिए ये वीडियो बनाने का खास मकसद वही है मेरा। तो दोस्तों इसको अब यहाँ से हम इसको थोड़ा सा छीलना है। तो दोस्तों सबसे पहले ऐसे करके हम छील दिए और यही तार को ऐसे करके पलट देना है। तो दोस्तों ये देखिए हम पलट दिए, तार थोड़ा बड़ा छीलना है, ऐसे करके हमें पलट दिए और ये मेरा स्विच के अंदर आ जाएगा, तार को कट नहीं लगाना है। तो दोस्तों ये वाला तो स्विच को हमको लूज करके ये वाला इसमें ऐसे करके हमको डाल देना है। ये वाला मेरा और यहां से दोस्तों इसको कट कर लेना है, जहां तक एंड है कट कर लेना है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि सर का वीडियो जो भी है तो काम वाला ही वीडियो है। दोस्तों हम लोग फालतू वीडियो अपलोड करते नहीं अपने चैनल पे। ये बोर्ड मेरा वायरिंग हो चुका है। तो दोस्तों ये मेरा स्विच का जो ऊपर वाला टर्मिनल, अब दोस्तों एक बात है समझाने वाली बात है कि इसमें अब कनेक्शन किस तरह से होगा और नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव को क्या करना है। तो दोस्तों नेगेटिव जो भी आएगा तो नेगेटिव मेरा हर तार से नेगेटिव तो हमने ऊपर में शॉर्ट कर दिया सबका, तो हर तार का जो नेगेटिव आएगा तो दोस्तों उसको हमको टैपिंग करना है और एक मेरा पॉल लाइन वाला जो नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव को हमको टैपिंग करना है। तो दोस्तों यह देखना है, याद रखना है कि एक बल्ब हो या फैन हो या कुछ भी हो या मोटर हो कुछ भी हो, तो दोस्तों यह बात याद रखना है कि हमको इस वाले टर्मिनल को एक तार इसमें डालना है और एक नेगेटिव में टेप मारना है। एक इसमें डालना है, एक इसमें डालना है, एक इसमें डालना है, इसमें डालना है, इसमें डालना है, इसमें डालना है, इसमें, और बाकी तार जो बचेगा तो सबको ऐसे करके नेगेटिव में एक एक तार बचेगा। तो दोस्तों जैसे देख लीजिए मेरे पास अभी ऐसे करके हम डालेंगे तो यहाँ स्विच में, तो मेरे पास ऐसे करके चलिए मान के चलिए हम ये तार डालते हैं, ये तार हमने डाल दिया, ये तार को टाइट कर दिया, ये मान के चलिए मेरा बल्बा वाली पॉइंट है, ये मान के चलिए हम बल्बा वाली पॉइंट है और बल्ब वाली का नेगेटिव बच गया। तो नेगेटिव को मैंने यहाँ ऐसे छील के रखना है। तो दोस्तों नेगेटिव को छील के रखना है और समतल मेरे पास दूसरा जो आएगा पॉल वाला नेगेटिव को इस तरह से लेना है, पॉल वाला नेगेटिव को इस तरह से लेके और हमको यहाँ पे टाइट कर इसको टेपिंग कर देना। तो दोस्तों अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, आदाब नमस्कार, आप लोग ठीक ही होंगे दोस्तों। चलिए सत श्री अकाल, हिंदू भाई को राम राम, मुस्लिम भाई को सलाम अलैकुम और पूरे YouTube फैमिली को हमारी ओर से ढेर सारी बधाई हो और शुभकामना हो।